हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो हिंदू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रियलमी का 10 प्रो लॉन्च हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, रियलमी का 10 प्रो 5G लॉन्च हो गया है। उसके अलावा उसका बड़ा भाई भी लॉन्च हो गया है, रियलमी 10 प्रो प्लस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि रियलमी 10 प्रो आपको नहीं लेना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ दो मेजर रीजन बताऊंगा जिसकी मदद से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज्यादा औसम होने वाली है। पहले सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात करेंगे, इसके फीचर की बात करेंगे। उसके अलावा जो मुझे दो कमियां लगी है, जो आप भी बोलेंगे कि बहुत बढ़िया है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप फोन लेने का सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रियलमी 10 प्रो की डिस्प्ले की। जी हाँ फ्रेंड, रियलमी 10 प्रो की डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। 120 हर्ट्ज का आपको इसमें रिफ्रेश रेट मिल रहा है, 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट मिल रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें फुल HD डिस्प्ले दी गई है, ये AMOLED डिस्प्ले नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके अलावा इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले कैमरा दिया गया है, मतलब नॉच डिस्प्ले नहीं दी गई है, पंच होल डिस्प्ले कैमरा दिया गया है, बहुत ऑसम लगता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर इसके आप फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो आपको इसमें साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले AMOLED नहीं है, इसका कारण फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में दिया गया है। उसके अलावा इसमें अगर प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर दिया गया है। जी हां फ्रेंड्स, स्नैपड्रैगन का 695 का 5G प्रोसेसर दिया गया है। और 5G बैंड्स की बात करें तो इसमें आपको 7 5G बैंड दिए गए हैं। जी हां फ्रेंड्स, 7 जो भी कॉमन 5G के बैंड रहते हैं जो Jio और Airtel ने लॉन्च कर रहे हैं वो आपको चलेंगे, मतलब Jio और Airtel की 5G सिम इसमें चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको सबसे मेन इसके हाईलाइट है कैमरा पॉइंट। सो फ्रेंड्स, इसमें अगर कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो इसमें आपको बैक में दो कैमरे मिल रहे हैं। जी फ्रेंड्स, बैक में दो कैमरे मिल रहे हैं। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसमें सैमसंग का लेंस लगा हुआ है और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है। तो कैमरा क्वालिटी में भी मतलब 108 मेगापिक्सल तो बहुत अच्छा है, बाकी 2 मेगापिक्सल कैमरा बहुत कम दिया है। हम आगे बात करेंगे कि इसको क्यों नहीं लेना चाहिए। उसके पहले हम इसके बात करते हैं बैटरी की। तो 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। उसके अलावा 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब बैटरी भी बढ़िया है, प्रोसेसर भी 695 इस बजट में नॉर्मली ठीक ही है, डिस्प्ले क्वालिटी फुल HD प्लस है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें आपको UFS 2.0 का सपोर्ट मिल रहा है, LPDDR4X रैम दी गई है, तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें दो वेरिएंट दिए गए, 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी, 8GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा होने वाला 16 मेगापिक्सल का। अब फ्रेंड्स, हम इसे बात करते हैं कि आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। इसमें मुझे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे। जैसा कि आपको पता है कि रियलमी 9 प्रो में 3 कैमरे थे, बट इसमें फ्रेंड्स आपको 2 ही कैमरे मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, उसके अलावा बैक में जो कैमरा है वो मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का और जो सेकंड कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का, मतलब फ्रेंड्स कितना डिफरेंस हो गया है। और उसमें अल्ट्रा वाइड भी नहीं दिया है, मतलब कैमरा क्वालिटी मेन कैमरा तो ठीक ही दिया है, बट जो सेकेंडरी कैमरा है वो तो मेन देना था कम से कम 8 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का दे देते, ओनली 2 मेगापिक्सल का दिया है और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट तो ये हो गया है, इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि फोन नहीं लेना चाहिए। और सेकंड और इंपॉर्टेंट होने वाला है डिस्प्ले। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बजट में मतलब 19,000 से 20,000 अगर आप खर्च कर रहे हैं उसमें आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले भी नहीं मिल रही, मतलब ना ही AMOLED डिस्प्ले मिल रही, ओनली फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। और फ्रेंड्स, फिंगरप्रिंट सेंसर भी डिस्प्ले में नहीं मिल रहा है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि AMOLED डिस्प्ले रहती है तो फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले में मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको डिस्प्ले क्वालिटी फुल HD प्लस मिलेगी, 500-600 निट्स की इसकी ब्राइटनेस रहेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे ये दो पॉइंट अच्छे नहीं लगे, मुझे इसकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। उसके अलावा कैमरा क्वालिटी की जो बैक में जो कैमरे 2 ही कैमरे दिए गए, इस कारण से आपको नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको और इसमें वीडियो डीप में बताऊंगा कि आपको इसके अलावा अल्टरनेटिव कौन सा लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस की बात करूं तो 6GB 128GB 19,000 समथिंग का आएगा और 8 128 20,000 समथिंग का आएगा। बट फ्रेंड्स, इसकी ऑफिशियल अभी प्राइस लीक नहीं हुई है क्योंकि ये 14 दिसंबर को फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होगा। तो जैसे ही लॉन्च होगा उसकी प्राइस के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगी इंपॉर्टेंट तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा 5G का फोन लेने का सोच रहे हैं और इससे बेस्ट 5G फोन और कौन सा आपको लग रहा है, तो उसके टॉपिक में वीडियो बना दूंगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।